हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में बात करते हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय बीएड एग्जाम से संबंधित कुछ सवाल है बच्चों के मन में। वो स्पेशली सवाल ये है कि हमें एग्जाम्स पेपर किस में देना है, इंग्लिश में देना है या हिंदी में देना है। और दूसरा सवाल देखिए, इस सवाल को मैंने नोट कर लिया है। पहला सवाल यह है कि पेपर इंग्लिश में आता है या हिंदी में आता है। बहुत सारे बच्चे इस बात से कन्फ्यूज है कि पेपर हिंदी में आएगा इंग्लिश में आएगा, क्या इन दोनों का पेपर अलग अलग आएगा और क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं। मैं आपको लाइव यहाँ पर दिखाऊंगा कि पेपर कैसे आते हैं, मैं यहाँ पर आपको लाइव दिखाऊंगा। ओके और लेकिन दूसरा सवाल साथ ही साथ देख लेते हैं। दूसरा सवाल यह है कि फॉर्म में तो कहीं भरा नहीं कि हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें, तो अब क्या करें। ओके तीसरा सवाल यह है कि क्या तीसरा और सबसे खास सवाल कि क्या इंग्लिश में लिखने से ज़्यादा नंबर मिलते हैं। ये इस बात की कन्फ्यूजन बहुत सारे बच्चों के। तो आइए वन बाई वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि पेपर इंग्लिश में आते हैं या हिंदी में आते हैं। सबसे पहले मैं आपको पेपर दिखा दूँ। ये देखिए, ये बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर है, 2020 का पेपर है। बीएड फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर नॉलेज एंड करिकुलम। आप इस पेपर को ध्यान से देखिए और कन्फ्यूजन दूर करते आज यही। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड लिटरेसी। उसी के जस्ट से इस बात को ट्रांसलेट किया गया हिंदी में कि शिक्षा और साक्षरता से क्या तात्पर्य है। इस बात से यह तय होता है कि जो क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा गया, सेम वही क्वेश्चन हिंदी में भी पूछा गया है और उसी पेपर में पूछा गया है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश वालों के लिए अलग पेपर होगा और हिंदी वालों के लिए अलग पेपर होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और इंग्लिश वालों के लिए भी अलग क्वेश्चन और हिंदी वालों के लिए अलग क्वेश्चन नहीं होगा। जो क्वेश्चन इंग्लिश वालों के लिए है वही क्वेश्चन हिंदी वालों के लिए है। पर आपको इंग्लिश में लिखना है तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिख सकते हैं। अलग अलग पेपर नहीं होगा, अलग अलग क्वेश्चन नहीं होगा, एक ही पेपर में दोनों लैंग्वेज में लिखे रहेंगे सेम क्वेश्चन को। जस्ट ट्रांसलेट कर दिया जाएगा हिंदी और इंग्लिश में, आप जिसमें कंफर्टेबल फील करें आप उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन दूर हो गया कि पेपर हिंदी में आता है कि इंग्लिश में आता है। नहीं, पेपर दोनों लैंग्वेजेस में आते हैं, हिंदी में भी आते हैं और इंग्लिश में भी आते हैं। ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ अ फॉर्म में तो कहीं भरा नहीं कि हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें। सीरियसली, मतलब फॉर्म में तो आपने कहीं ये फील नहीं किया कि आप कौन सा लैंग्वेज चूज़ करना चाहते हैं। तो देखिए, ये फॉर्म में आपको कहीं भरना नहीं है। जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाएंगे और आपके पास ये पेपर मिलता है, आप उस समय जिसमें जिस भी लैंग्वेज में आप प्रिपरेशन करके गए हैं, अगर आप हिंदी में प्रिपेयर करके गए हैं तो हिंदी में लिखिए और इंग्लिश में प्रिपेयर कर गए हैं तो इंग्लिश में लिखिए। आप वहाँ पर जाकर डिसाइड कर सकते हैं। हाँ, पर मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको कॉकटेल नहीं कर देना है। मतलब ऐसा नहीं करेगा कि दो क्वेश्चन आपने हिंदी में सॉल्व कर दिया, बाकी रिमेनिंग नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं करेगा। आप अगर क्वेश्चन फर्स्ट इंग्लिश में सॉल्व करें तो सारे क्वेश्चन इंग्लिश में सॉल्व करेगा। और हाँ, पेपर भी चेंज मत करेगा कि फर्स्ट पेपर हमने इंग्लिश में दे दिया, सेकंड पेपर हिंदी में। नहीं, आप पहले से माइंड प्रिपेयर कर लीजिए कि आपने देना किस में है, हिंदी में देना है कि इंग्लिश में देना है। ठीक है, तो आप जिस हिसाब से तैयारी करके जाएंगे, जिस लैंग्वेज में, आप उस लैंग्वेज में दे सकते हैं। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि क्या इंग्लिश में लिखने में ज़्यादा नंबर मिलते हैं। तो इसका सीधा और सिंपल आंसर यह है कि नहीं, नो। सीधा और सिंपल आंसर नो, कि इंग्लिश में लिखने से ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलते हैं। इंग्लिश में लिखने से ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलते हैं। हिंदी वाले बच्चों के भी मार्क्स ज़्यादा आते हैं और इंग्लिश वाले बच्चों के भी ज़्यादा मार्क्स आते हैं। पर फिर भी मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि अगर इफ़ यू आर वेल इनफ टू नरेट सेंटेंसेस इन इंग्लिश, इफ यू आर क्वाइट गुड इन द फॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस, आई विल रिकमेंड यू टू गो विद इंग्लिश। द रीज़न, हिंदी में जो वर्ड्स हैं ना, आप हिंदी के बीएड्स के वर्ड्स देखेंगे, बाप रे, इतने डिफिकल्ट वर्ड्स हैं कि हिंदी को आपको समझने के लिए इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। चाहे आप बीएड फर्स्ट ईयर की बात कर लें या बीएड सेकेंड ईयर की बात कर लें, सीरीज में या बुक्स में जो हिंदी वर्ड यूज़ किए गए ना, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट यूज़ किए गए। बट स्टिल, इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद हिंदी, इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड दैट हिंदी वर्ड, गो विद हिंदी। अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में जाइए। बट पर्सनली मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इंग्लिश में लिखिए, अगर आप इंग्लिश में सेंटेंस इजीली बना सकते हैं तो। अदरवाइज़ आप हिंदी में भी जा सकते हैं। और रही बात मार्क्स की तो कि क्या मार्क्स इंग्लिश में ज़्यादा मिलते हैं, सो सिंपल आंसर इज़ नो, क्योंकि लैंग्वेज डजेंट मैटर। वर्ड्स यूज़ किए गए हैं बीएड में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, पर स्टिल अगर आप समझ पा रहे हैं तो बेस्ट ऑफ लक, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट। पर अगर इंग्लिश में फॉर्मेशन कर सकते हैं तो आप इंग्लिश में ही लिखिएगा, मैं रिकमेंड करूँगा। बाकी आप हिंदी छोड़ मत दीजिएगा ज़रूर। ओके, और अब तो कोई टाइम ही नहीं है कि आप प्लान करें। अगर आपने जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट किया, आप उसमें मेहनत करिए और एग्जाम दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अगर अभी तक आप जुड़े नहीं हैं चैनल से तो प्लीज़ यार, क्या कर रहे हैं आप लोग, जुड़ जाइए। मैं कहता ही नहीं हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप सबको भी जानते हैं कि मैं बस बीएड आरएमएलयू का ही वीडियोज़ बनाता हूँ। अगर आप नहीं जुड़ेंगे तो कौन जुड़ेगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, तब तक आपका खूब ख्याल रखिए। गुड नाइट।